नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल माही के ऊपर वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा Asus ZenFone Max Pro M1 के बारे में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पैकेज दिखता है। इसको मैं अनबॉक्स करके साथ ही साथ इसका क्विक रिव्यू भी दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो उसका भी जवाब जरूर से दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है बिग बिलियन डे सेल के दौरान। तो कुछ इस तरह से इसका पैकेज है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इस फ़ोन को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो मेरा नाम है महेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल माही यूट्यूब चैनल को। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस Asus ZenFone Max Pro M1 के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैकेज है। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये कट हो गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से पैकेज है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार पैकेज है Asus ZenFone Max Pro M1 का। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ZenFone Max Pro M1 लिखा गया है। इधर ड्यूअल कैमरा बताया गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G VoLTE लिखा हुआ है। इस साइट आपको देखने को मिलेगा वी लव फोटो। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4A ब्लैक, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, LTE ड्यूअल सिम, 5.99 इंच फुल HD+ डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8 MP फ्रंट कैमरा, 13+5 MP रियर कैमरा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडोनेशिया लिखा है। तो इसमें आपको लार्ज बैटरी मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी। साथ ही साथ 14 नैनो टेक्नोलॉजी बनाया गया हुआ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर मिलेगा और फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से स्लाइड करके निकाल देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है वी लव फोटो। तो यहाँ से आपको निकालना होगा। तो कुछ इस तरह से निकल जाएगा। फर्स्ट कंपार्टमेंट यहाँ पे फ़ोन है, तो पहले देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको देख सकते हैं Asus का सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कवर भी मिल जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यह है Asus फ़ोन इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको Asus वारंटी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इसी फ़ोन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टिपिकल सिलिकॉन कवर मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं प्योर वाइट में आता है। अब बात करते हैं बाकी बचे कंटेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ़ोन मिल जाएगा। इसको मैं साइड पर रख देते हैं। अंदर आपको और क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जर दिया गया है, साथ ही माइक्रो USB केबल मिला है। तो अगर यहाँ पे चार्जर की रेटिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट 5V 2A का है ये चार्जर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये स्टैंड मिल जाता है, जो कि है मैक्स बॉक्स। तो कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन होगा। तो यहाँ पे ओपन होकर यहाँ से आ जाएगी। यहाँ आप अपना फ़ोन कुछ इस तरह से रख के आप व्यू कर सकते हैं, जो भी आप व्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन आ गया है ब्लैक वेरिएंट में। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है डुअल कैमरा, यहाँ पे LED फ्लैश है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है Asus। चलिए देखते हैं इसमें पावर है या नहीं। तो ऑन करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया, पावर्ड बाय Asus, पावर्ड बाय एंड्रॉयड Asus ब्रांडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम लॉकर की, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पावर की मिलेगा। ऊपर की साइड आपको सेकंड माइक्रोफोन मिल जाएगा, 3.5 mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग के लिए USB पोर्ट, और यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाएगा। इस साइड अगर बात करें तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाएगा।
तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हाई देयर इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए, तो काफ़ी जल्दी फ़ोन स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैं फटाफट इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पे फेस सेटअप कर लेते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले फेस को सेटअप कर लेते हैं, फेस प्लस पैटर्न रखेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, पैटर्न हमारा सिंपल, अपना फेस रिकॉग्नाइजेशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे सेटिंग में जाके अगर आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन दिखाता हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम, साथ ही साथ यहाँ पे सिस्टम अपडेट आप देख सकते हैं 8.1 पे चल रहा है अभी, तो अपडेट आया है, अपडेट आएगा तो उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे अपडेटेड टू 8.1.0, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ये फ़ोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिंगरप्रिंट को सेट कर दिया है, तो ये काफ़ी इंस्टेंट ओपन हो जाता है। जैसे ये लॉक किया, ये ओपन हो गया, लॉक किया ओपन हो गया, लॉक किया ओपन, तो काफ़ी फास्ट अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पे इसका फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, मैंने चेक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी इसका आप कैमरा सैंपल देख लीजिए, फ्रंट और रियर का दोनों का सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कैमरा कैसा है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी 288 दिन पहले फ़ोन चार्ज किया गया होता, मेरे ख्याल से जब फ़ोन बनाया गया होगा तभी इसको फुल चार्ज किया गया, जब मैंने यूज़ किया कल निकाला तो 65% था। माने इसकी बैटरी बैकअप इतनी अच्छी है कि आप देख ही सकते हैं 288 दिन हो गया चार्ज किए हुए, और 100% से कम होते होते 45% कम हुआ, 65% मुझे कल मिला था जब मैं इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग किया था। तो आज भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस फ़ोन का आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, तीन वेरिएंट में आपको मिलेगा। अभी शायद प्राइस इसकी ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, कैमरे के हिसाब से, बैटरी के हिसाब से सब कुछ बढ़िया है इस फ़ोन में। परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 के होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूवड है, तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज इसका 13.97 GB यूज्ड है, जबकि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन डाल रखी है। जब मैंने एप्लीकेशन नहीं डाली थी तो ये स्टोरेज था 9.85, तो तकरीबन 10 GB का स्टोरेज यूज़ हुआ था, बाकी सब खाली था। तो क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड इसलिए स्टोरेज कम यूज़ होता है सिस्टम में बाकी और मोबाइल से। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो दोस्तों ये फ़ोन है 18:9 एक्सेप्ट रेशियो वाला स्मार्टफोन, 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, इसका वेट तकरीबन 180 ग्राम है। साथ ही साथ इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर मिलेगा, जिसके साथ आपको GPU मिलेगा एड्रीनो 509। दोस्तों ये है एंड्रॉयड 8.1 पे चलने वाला आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। और अगर इस फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पीछे ड्यूअल कैमरा मिल जाते हैं, 13+5 MP का ड्यूअल कैमरा, साथ ही साथ सिंगल LED फ्लैश। यहाँ पे आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, साथ ही साथ यहाँ आपको LED फ्लैश मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मैंने यूज़ किया है एक दिन और फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जान गए इस आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको मिल पाए नोटिफिकेशन सबसे पहले जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ अपने चैनल पर। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना सवाल लिख सकते हैं, तो मैं जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।